नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया देसी नुस्खा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार हमारा टॉपिक है कि जो नवजात शिशु पैदा होते हैं तो उनके ताड़ू में चोर दांत निकल आते हैं, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। बच्चों का सिर गर्म होता है, हाथ का पंजा गर्म होता है, पैर का पौली गर्म होती, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बच्चे का बुखार नहीं उतरता। फिर चाहे जितने का दवा करवाएं वो बच्चे का राहत नहीं होगा। चोर दांत के बारे में सभी लोग को वैसे भी नहीं पता होता, जो अभी नए लोग हैं उनको नहीं पता होता, जो पुरानी बुजुर्ग होती हैं तो वही अपना देख हाथ डाल के मुंह में वही देख के जान पाती हैं। जिनको नहीं पता होता है तो वो सरकारी इलाज करवाते रहते हैं, कम से कम 50,000 का इलाज करवा डालते हैं, बच्चे के बुखार नहीं उतरती है। तो आज हम देसी उपाय इसमें बताएंगे कि इस मतलब किससे ये राहत होता है। इसमें दो उपाय है, दो तरह के उपाय है। एक जो चूल्हे की राख होती है और जिसको नॉलेज होता है वह चूल्हे की राख से उसको बैठाती हैं, और दूसरा उपाय है कि ये जो चौथा सुहागा है तो ये चौथा सुहागा पीस कर और इस तरह से पाउडर बनाकर बच्चे के यहाँ सिर पे रख दे। तो ये चौथा सुहागा है, ये देखिए इतना चौथा ये सुहागा है, इतना ये 250 का मिला है। तो इसको हम पीस लेंगे, सिलवट्टा में यदि इतना पीसेंगे तो सिलवट्टा के लिए होगा, तो हम इसमें बेलन से और हरसा से बेलेंगे पीसेंगे, क्योंकि इसमें पूरा निकल आएगा। यदि सिलवट्टा में पीसेंगे तो उसी बस का होगा। तो ये पीस कर इसका पाउडर बनाकर हम रख लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से पीस गया है, पाउडर बन गया है, ये बहुत अच्छे से पीसा हुआ है, देख सकते हैं। जब सुबह शाम बच्चे का मालिश करते हैं, जब सरसों के तेल यहाँ लगा देते हैं, सरसों के तेल लगाने के बाद एक चुटकी ये चौथा सुहागा यहाँ पर रख दे तो ये चोर दांत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं किस तरह से रखा जाता है। बेटा ये ऐसे सरसों का तेल रख लिए, ये देखिए इसी तरह ऐसे करके ये सरसों का तेल, और यहीं पे ये देखिए चौथा सुहागा ये हम पीस के रखे हुए हैं, ऐसे चुटकी में ले लेंगे, ज़्यादा नहीं ये चुटकी ही लेंगे, ये देखिए। और ये ऐसे जहाँ बच्चे के गुलगुलापन होता है यहीं पे रख देंगे, ये देखिए ऐसे रख देंगे ये। इस तरह से रखा जाता है। तो ये हमारा देसी उपाय कैसे लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आपके पास इस तरह से मुद्दे हैं तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।